अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। वॉल्वो बस ट्रक से टकराई, दो दर्जन से अधिक यात्री हुए घायल। फिरोजाबाद जिले के मरसेना थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज सुबह एक वॉल्वो बस आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई, जिससे हादसे में बस में सवार सभी लोगों की चीख निकल पड़ी। सभी लोग विधुना से गुड़गांव जा रहे थे। इस हादसे में बस में सवार दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें एक दर्जन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना पर एक्सप्रेसवे पर तैनात यूपीडा एम्बुलेंस घायलों को जिला अस्पताल लेकर आई, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। देखिए फिरोजाबाद से हमारे विशेष संवाददाता करण कुमार की खास रिपोर्ट। मंगल सिंह नाम है मेरा, ग्राम निनावली का रहने वाला हूँ। रामपुरा से मैं गुड़गांव जा रहा था सर, आगरा एक्सप्रेस पे उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक में टक्कर मार दी बस ने सर। इसमें कितने लोग घायल हुए? इसमें दो दर्जन से ऊपर लोग घायल हैं सर। कैसी हालत है उनकी? किसी के आंख में लगी, किसी के पैर में, किसी के कहीं ज़्यादा ही घायल है। हाईवे जो है अपना ये आगरा लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे, इस पर यूपीडा एम्बुलेंस से मरीज लेकर आई हैं। उन्होंने बताया है कि मटसेना थाना के अंतर्गत कहीं पर एक बस जा रही थी विधुना से गुड़गांव के लिए, तो खड़े ट्रक में से टकरा गई है। उसमें हमारे यहाँ टोटल 19 लोग आए, उनमें से हमने 11 लोगों को रेफ़र किया है। 8 लोग अभी हमारे यहाँ भर्ती हैं, उनका हम उपचार कर रहे हैं और बाकी कोई कैजुअलिटी तो है नहीं। इसमें कितने लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है? इसमें 6-7 लोग हैं जिनको भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, कुछ को फ्रैक्चर हुए हैं, कुछ को हेड इंजरी है, किसी के सीने में चोट ज़्यादा है, तो हमने उनको उपचार दे दिया है। उसके बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए भेज दिया। थैंक यू दोस्तों। क्या कर रही हो अंजलि, इतने में थैंक यू बोल रही हो? अभी तो इनको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तब जाकर हम बोलेंगे इनको थैंक यू।